हापुड़ पुलकवा विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। बाबगढ़ में ढाबों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बाद एचपीडीए ने अब गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट विकास क्षेत्र के अंतर्गत कार्रवाई की है, जहां दो प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। गढ़मुक्तेश्वर के गढ़बांगर में मोहम्मद फराहिम पुत्र उमर दराज द्वारा ढाबे के लिए किए गए निर्माण को एचपीडीए ने ध्वस्त किया। इसके साथ ही फराहिम द्वारा एक व्यावसायिक निर्माण बनाया गया था, जिसे भी एचपीडीए ने बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान विशेष कार्य अधिकारी दिनेश कुमार, अवर अभियंता मोहम्मद हारून, सुभाष चंद्र चौबे, क्षेत्रीय पुलिस मौजूद रही।